सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इनफैक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन मतलब कि एक सॉल्वेंट होगा और एक सल्यूट होगा। लिक्विड सोल्यूशन मीन्स सॉल्वेंट फिक्स क्या है वो लिक्विड होगा, और सल्यूट कैन बी हियर सॉलिड लिक्विड आर गैस। तो सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड तो हमेशा क्या होगा, वोलाटाइल होगा, यानी कि एक चीज़ तो फिक्स है कि एक कंपोनेंट, दो में से एक कंपोनेंट तो हमेशा क्या होगा, वोलाटाइल होगा, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तभी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने दो केस बना लिए हैं। केस नंबर वन जिसमें जो हमारा सल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल। कैसा सल्यूट है, नॉन वोलाटाइल। सॉल्वेंट तो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट तो हमेशा क्या होगा, वोलाटाइल होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट हम क्या लेकर चल रहे हैं, लिक्विड लेकर चल रहे हैं। सल्यूट की दो पॉसिबिलिटी है, सल्यूट कैन बी नॉन वोलाटाइल एंड सल्यूट कैन बी वोलाटाइल। तो दो केस बना लिए हैं, जिसमें से पहला केस है जिसमें हमारा ऐसा सोल्यूशन है जिसमें हमारा सल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल। ओके, तो जैसे नीचे मेंशन किया गया है कि सल्यूट सॉल्वेंट को मैं ए मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और सल्यूट को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ कैटेगराइज किया गया है कि नेचर, नेचर कैसा होगा, तो सल्यूट हमारा नॉन वोलाटाइल, सॉल्वेंट वोलाटाइल। फिजिकल स्टेट तो हम पढ़ रखे हैं कि फिजिकल स्टेट क्या होगा सल्यूट का, सॉलिड, कोई सॉलिड ही नॉन वोलाटाइल हम लोग मानते हैं। और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड फेज में होगा। वेपर प्रेशर किसकी बात कर रहे हैं, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर चूंकि सॉल्वेंट आपका नॉन वोलाटाइल है तो वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट, सल्यूट कितना होगा, वो जीरो होगा। तो देखिए जीरो लिखा हुआ है, बट सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इज वोलाटाइल, तो कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगला मोल, तो मोल हमें मास पता होगा, तो मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट, ऐसे मोल निकाल लेंगे। ऐसे ही मास ऑफ सॉल्वेंट ए अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ए। तो आपको पता ही है कि अगर मास पता हो तो मास अपॉन मोलर मास ही क्या होता है, मोल। तो ऐसे मोल निकल आ जाएगा, और उसी तरीके से मोल जब पता है तो हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बातें की। अब इस बात को समझते हैं कि जैसे देखिए पहला जो डायग्राम है, फर्स्ट जो डायग्राम है, इसमें क्या है कि सॉल्वेंट है, क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट ए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट के आपके क्या है, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, जिसके ऊपर का ये सरफेस मॉलिक्यूल दे रखा है ए का, है ना। ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, सरफेस मॉलिक्यूल। ओके, जिसका इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, अब हमने सल्यूट बी क्या किया, इसमें ऐड किया। तो जैसे ऐड किया तो ऐड करने के बाद ये क्या बन गया, ये सोल्यूशन बन गया। तो सेकेंड जो डायग्राम उसमें क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन बनने का मतलब क्या है, देखिए कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा। तो आप देखिए सरफेस पे, आप देखिए कि ए के भी मॉलिक्यूल हैं, बी के मॉलिक्यूल हैं, ए बी यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आपका क्या बन चुका है, इट आपका बन चुका है सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी। अब जो ये ऊपर जो वेपर प्रेशर है, ये जो वेपर प्रेशर है पी ए, ये क्या है वेपर प्रेशर ऑफ, ये वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है। और पी नॉट ए क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिए, जाहिर सी बात है सोल्यूट ऐड किया गया है तो वेपर प्रेशर में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। तो फिर वही चीज़ नीचे, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है तो सल्यूट का कोई भी वेपर प्रेशर यहाँ पर नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पी नॉट ए है वो पी ए से क्या होगा, बड़ा होगा।
क्यों बड़ा होगा, आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के केस में, इन केस ऑफ सॉल्वेंट सारे के सारे सरफेस पे क्या है, वोलाटाइल मॉलिक्यूल है, बट इन केस ऑफ सोल्यूशन जो सारे के सारे वोलाटाइल नहीं है, ए तो वोलाटाइल है बट बी वोलाटाइल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वेपर प्रेशर कुछ हद तक कम हो गया होगा सोल्यूशन का, तो उसी लिए मैंने लिखा पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए, यानी वेपर प्रेशर ऑफ, यानी कि एक बात निकल के आई कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल। यहां तक क्लियर, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यही, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, राउल्स लॉ, कि सोल्यूशन का जो प्रेशर, वेपर प्रेशर चेंज हो रहा है तो क्या होता है राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या होता है वो देखिए, राउल्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी जाहिर सी बात है जितना ही ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसी को बोलते हैं, राउल्स लॉ, कि वेपर प्रेशर, ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन। ठीक है, तो ए का मोल जितना ही ज़्यादा होगा, ए का मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, उतना ही ए का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इसी चीज़ का नाम है राउल्स लॉ। और जो ये कांस्टेंट हटा देते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पी नॉट ए क्या है, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट इज इक्वल टू पी ए पी नॉट ए इंटू एक्स, यही राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिकल क्या है, फॉर्म है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, तो इसके अंदर ए भी है और बी भी है, बी के साथ क्या है कि जो बी है, बी क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, बट पी नॉट बी तो क्या है, पी नॉट बी तो जीरो है, अभी हमने पढ़ा इट इज अ नॉन वोलाटाइल, तो पी नॉट बी अगर जीरो है तो पी वी भी क्या होगा, जीरो। तो टोटल प्रेशर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, और पी बी जीरो है तो टोटल प्रेशर ही क्या होगा, पी ए के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो यहाँ पर एक बात जो हम लोग को समझ में आई वो क्या है कि नॉन वोलाटाइल पार्टिकल डालने से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, कम होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए कम होगा यानी कि टोटल प्रेशर भी क्या होगा आपका, कम होगा। तो इसी टॉपिक का नाम क्या, अगला, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, या शॉर्टली बोलते हैं आरएलवी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। याद क्लियर? ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए है, तो जब सिर्फ और सिर्फ ए है तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना होगा, वन, और मोल फ्रैक्शन जब ए का वन है तो व्हाट इज पी ए, पी नॉट ए एक्स, तो यानी पी ए क्या हो जाएगा, पी एच इक्वल टू पी नॉट है, कोई एक्स इक्वल वन है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है अगर, याद रखिए। फिर बाद में हमने इसके अंदर क्या ऐड किया,
सल्यूट ऐड किया, क्या ऐड किया, सल्यूट ऐड किया, नॉन वोलाटाइल हो गई। सल्यूट ऐड करते ही क्या होगा, एक बात तो कंफर्म है ना कि सल्यूट ऐड करते ही जैसे एक्स भी बढ़ाएंगे तो एक्स से तो क्या होगा, कम होगा, इनफैक्ट एक्स से क्या होगा, वन से छोटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, यानी कि अब नया प्रेशर क्या होगा, पी ए, कोई पी टी ही क्या है, पी ए के बराबर है, और पी ए क्या है, पी नॉट एक्स है, और पी नॉट एक्स ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए इंटू वन माइनस एक्स बी, कोई एक्स ए क्या है, वन माइनस एक्स बी के बराबर। तो नया जो प्रेशर है वो क्या है, वो पी ए क्या है, पी नॉट एक्स ए के बराबर है, और पहले जो प्रेशर था वो कितना था, वे प्रेशर पी एच इक्वल टू पी नॉट ए के बराबर था। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब वेपर प्रेशर तो लो हो गया, क्यों लो हो गया, ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एल वी पी, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना लोअर हुआ, तो इनिशियली कितना प्रेशर था, पी नॉट ए, बाद में कितना हो गया, पी ए, ये पहला है पी नॉट पी ए, तो पी नॉट ए और पी ए, और व्हाट इज पी ए, दैट इज पी नॉट ए एक्स ए। तो व्हाट इज पी नॉट, तो क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट एक्स ए क्या हो जाएगा, तो कॉमन ले लीजिए पी नॉट ए, वन माइनस एक्स ए, तो क्या बनेगा, पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, तो एल वी पी क्या हो गया, पी नॉट ए एक्स बी के बराबर। तो आर एल वी पी मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन इनिशियल प्रेशर कितना है, वो पी नॉट ए, और इसकी वैल्यू कितनी है, तो पी नॉट ए एक्स बी अपॉन पी नॉट ए, तो पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल, तो क्या बचा एक्स बी, यानी क्या निकल क्या है, आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसको हम क्या बोलेंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये किसके होगा, एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बराबर हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला निकल गया कि आर एल वी पी क्या होता है, इक्वल टू एक्स बी, व्हाट इज एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल पार्टिकल, और एल वी पी क्या है, एल वी पी लोअरिंग वेपर प्रेशर, वो क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। कोई दिक्कत? तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी चीज को मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूं एक दूसरे फॉर्मूले में, क्या सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जैसे है ना, आर एल वी पी क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इजक्वल टू व्हाट इज एक्स बी, एक्स बी को अपन क्या लिख सकते हैं, तो एक्स बी को लिख सकते हैं ना, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कोई दिक्कत? अब दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया, क्या ले लिया, रिवर्स कर दिया, तो डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, न्यूमिनेटर नीचे आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये पी नॉट ए अपॉन पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस एन ए अपॉन एन बी, दोनों साइड माइनस वन कर दिया, तो क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, पी ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एन ए अपॉन एन बी। फिर से रेसिप्रोकल कर लीजिए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर लीजिए, तो क्या बन जाएगा अगेन, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, तो एक देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये आर एल बी पी नहीं है, क्योंकि आर एल बी पी में क्या होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए होता है, और यहां क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, तो नीचे यहां पर पी ए और यहां क्या है, पी नॉट ए, तो ये चीज आर एल बी पी। लेकिन इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं, जैसे इस फॉर्मूले का कहाँ यूज करते हैं, कि पी नॉट ए
पी ए, एन बी और एन ए, ये चार क्वांटिटी दिख रही हैं, चार में से कोई भी तीन देकर चौथा पूछ सकता है, या मैं जो स्पेशल लिख सकता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एन बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, तो मैं ऐसे भी लिख दिया। अब देखिए ये कितनी क्वांटिटी हो गई, तो ये हो गई एक दो तीन चार पाँच और एक छः। अब इस छः में से कोई भी पाँच देकर एक पूछ सकता है, अब वो चाहे मास ऑफ सॉल्यूट पूछ दे, चाहे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ दे, चाहे मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ दे, चाहे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट पूछ दे, चाहे पी ए क्या है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, और पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो इन छह में से कोई भी पांच दे के चौथी बात छठी बात क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? तो ये इसी का क्या है, आर एल बी पी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, बट ये और आर एल बी पी बराबर नहीं है। यहां तक समझ में आ रही बात आप लोगों? तो अब जैसे इसका ग्राफ बनाए, किसका ग्राफ, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वर्सेस एक्स ए का, तो क्या है पी एच इक्वल टू क्या है पी नॉट ए एक्स, तो एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स एक्सिस पर रखा और वाई एक्सिस पर क्या रखा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन रखा, तो जाहिर सी बात है एक्स ए बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पी ए भी बढ़ेगा। तो देखिए एक्स ए बढ़ रहा है इधर, पी ए कब बढ़ रहा है और मैक्सिमम कितनी है पी नॉट ए, या एक्स ए जहाँ वन है तो एक्स बी क्या होगा, जीरो होगा। तो एक्स बी के टर्म में ग्राफ क्या होगा, अगर मान यही ग्राफ में वेपर प्रेशर और एक्स बी का बनाऊं तो ग्राफ क्या बनेगा, अगर एक्स बी जीरो से वन की तरफ जाएगा, तो एक्स बी जब जीरो है तो ये क्या होगा पी नॉट ए होगा, और एक्स बी जब वन होगा यानी एक्स ए क्या होगा जीरो होगा, तो ये धीरे धीरे आपका घट जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या है, एक ग्राफ हो गया। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो और ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, NH2Cu, NH2 क्या है, NH2Cu, NH2 इज एडेड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर। ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 300 mpg, तो मतलब क्या ये दे रखा है पी नॉट ऑफ एच टू कितना 300। देन कैलकुलेट, पहला वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दूसरा एल बी पी, तीसरा आर एल बी पी, चौथा एक्स एल बी पी, पांचवा मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, तो ये दे रखा है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाएं तो देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन अगर मैं लिखूं जैसे पहला, तो क्या है फॉर्मूला पी ए, तो पी ए क्या होगा पी नॉट ए एक्स ए, यही होगा। अब इसमें देखिए कि कैसा है, इसमें यूरिया क्या है नॉन वोलाटाइल है और बाकी वाटर तो क्या है वोलाटाइल है, तो पहले को उसका ही क्वेश्चन हो गया, तो व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो पी नॉट ए एक्स ए, तो मुझे एक्स ए चाहिए, ध्यान दीजिएगा। दूसरा तो एक्स ए निकाल लेंगे, तो पहले हम लोग क्या कर लें, सबसे पहले चौथा पार्ट कैलकुलेट कर लें, है ना, चौथा पार्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, ए यहाँ पे क्या है यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज ए, तो वाटर का मोल निकालने से पहले मोल फ्रैक्शन से पहले मोल ऑफ वाटर निकाल लीजिए, तो वो कितना है गिवन मास कितना है 45 अपॉन 18, और मोल ऑफ यूरिया भी निकाल लीजिए तो वो कितना है 30/60, तो 0.5 और ये 2.5, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना होगा, 0.5 बटा यूरिया 3 है ना, तो ये जगह 1
बाई सिक्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना होगा? तो पता ही है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, दैट इज 5/6। तो चौथा पार्ट निकल गया हमारा, तो चौथा निकल गया। तो व्हाट इज़ अ पी ए, पहला पार्ट, तो पी नॉट ए दे रखा है, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वो कितना है, 300 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वो कितना है, 5/6, तो कितना हो जाएगा, 250 mmHg। समझ में आ रहा है? अगला LVP, LVP क्या था, लोअरिंग वेपर प्रेशर, क्या फॉर्मूला था? तो पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ये तो था। तो पी नॉट ए कितना है, 300, एक्स बी कितना है, 1/6, ये कितना हो गया, 50 mmHg। और आर एल वी पी जो क्या, वो क्या था, वो एक्स बी के ही तो बराबर होता है। तो एक्स बी कितना है, 1/6। समझ में आ रहा, मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूट के बराबर होता है, 1/6 हो गया। चाहे आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए, चाहे ऐसे आप निकाल लीजिए, आर एल वी पी क्या होता है, तो एल वी पी अपॉन पी नॉट ए, एल वी पी कितना है, 50, और पी नॉट ए कितना है, 300, 1/6। समझ में आ रहा है? ठीक है, और लास्ट जो एक नहीं बचा, क्या बचा है, मोलालिटी। तो मोलालिटी तो चलिए, तो आपका वो वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्यूशन का, मोल कॉन्सेप्ट का। तो मोलालिटी कैसे का, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट 1/6, सॉल्वेंट 5/6, 1000 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18, तो हो जाएगा कितना, 200/18 m। ठीक है, तो इसमें आपको, आप लोग पहले खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद से फिर जो मेरा सलूशन है फिर वो देखिएगा। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन, अगेन इस क्वेश्चन को पहले आप लोग पॉज करके ट्राई कर लेंगे और उसके बाद से फिर प्ले करेंगे और सोल्यूशन देखेंगे। तो फिर मैं जैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 20%। तब ये क्वेश्चन है, अगेन ग्लूकोज क्या है, नॉन वोलाटाइल सल्यूट। तो ये भी अगेन केस वन का क्वेश्चन हो गया। तो वेपर प्रेशर 20, तो वेपर प्रेशर किसका घटेगा, तो वाटर का। तो मान लीजिए वेपर, प्योर वेपर प्रेशर वाटर कितना, अगर पी नॉट अगर 100 है, मान लीजिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 20% घट गया है ना, तो 80 तो होगा। तो समझ में आ रहा, तो चेंज कितना आया, तो क्या है फॉर्मूला, समझ में आ रहा। तो अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, पी नॉट ए कितना है, 100, पी ए कितना है, 80, पी ए कितना है, 80, पी ए मतलब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, एन बी मतलब मोल ऑफ सोल्यूट। मोल ऑफ सोल्यूट तो हमको तो अभी निकालना ही है कि मास ऑफ सोल्यूट जो कि निकालना है हम, और मोलर मास कितना होगा ग्लूकोज का, 180 अपॉन एन ए, क्या मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो मास कितना है, 180, और मोल ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर 18। ठीक है, अब इसमें एक ही अननोन बच गया, मास। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो ये आपका, आप देखिए ये हो जाएगा 20/80, 20/80 इज इक्वल टू, ये 10 टाइम कट गया, तो m/100। ठीक है, और ये 4 बार कट जाएगा इससे, तो मास जो आएगा वो 1800/4, यानी कि 400।
4 5 20, 450 ग्राम। ठीक है, तो 450 ग्राम इसमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए ब्लड प्रेशर को 20% घटाने के लिए, है ना। पता ही है ना कि जैसे ही आप क्या करेंगे, नॉन वोलाटाइल पार्टिकल ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर तो क्या होना है, वो तो घटना ही है। तो देखिए 450 ग्राम ग्लूकोज ऐड करने से 20% जो है वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वाटर का, वो घट जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला यूज कर लिया, कहीं कोई दिक्कत। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगेन, पहले आप लोग पाउच करके क्या करेंगे, क्वेश्चन को पहले ट्राई करेंगे और उसके बाद फिर मैच करने के लिए फिर से प्ले कर कर अगेन इसका सोल्यूशन देखेंगे मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, तो आपको एक काम बार बार करना पड़ेगा कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो पहले अगर आप चीज़ों पीछे के समझ रहे हैं तो सबसे पहले आपको तुरंत लेक्चर को क्या करना है, आपको पाउज कर देना है। यही अगर मैं क्लास में होता तो पहले मैं आपको थोड़ा टाइम देता क्वेश्चन करने के लिए, तो यहाँ वो गैप न देकर यहाँ पे हमारे पास एक सुविधा क्या है कि आप वीडियो को तुरंत पॉज कर देंगे। पॉज करने के बाद अपना 1 मिनट 2 मिनट जो भी अपना समय लेकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर उसके बाद से वीडियो प्ले करिए और देखिए कि आपका उत्तर सही आया है या नहीं आया है। अगर गलत आया है तो फिर आप देखिए कि क्या गलती हो गई, वो आप सोल्यूशन से चेक कर सकते हैं। तो ये काम मैं बार बार बताऊँगा नहीं, आपका आपको ये काम हर बार करना है जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो फिर से क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 156 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन यहाँ क्या है, सॉल्वेंट है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है, 200 mm ऑफ HG और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कितना है, 150 mm ऑफ HG। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो देखिए क्या क्या है क्वेश्चन, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखिए 20 ग्राम ऑफ, देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमको वही तो निकालना है। मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो मोलर मास बेंजीन का मास 156 और मोलर मास 78 यानी कि 2। फिर बेंजीन का वेपर प्रेशर पी नॉट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है, वो 200 mmHg है और वेपर प्रेशर ऑफ PA सॉल्यूशन कितना है, 150। तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अभी हमने पढ़ रखा था क्या, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, है ना। पी नॉट ए दे रखा है कितना, 200, पी ए 150, पी नॉट ए सॉरी पी ए 150, एन बी कितना दे रखा है, तो एन बी में एन बी क्या है लिख सकते हैं, मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी अपॉन एन ए, एन ए क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट डेट इज बेंजीन। तो मास ऑफ बी कितना है, 20, मोलर मास ही तो निकालना है, मोल ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन का कितना है, वो 2 है, सॉल्व करिए ये हो जाएगा 50 बटे 150 जिसको 1/3 लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 2 से कट गया 10 टाइम, तो 10/mB। तो यहाँ से मोलर मास ऑफ बी कितना आ जाएगा, 10 × 3 यानी कि 30। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके, अगला जो क्वेश्चन है फिर आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 570, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस फिर से वही क्वेश्चन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकलवा रहा है। तो अगेन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 30, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वही निकालना है, मोल ऑफ ए यानी कि 360 बटे 18 यानी कि 20, ये वाटर के मोल हो गए, ठीक। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो पी ए जो है वो कितना दे रखा है, 570,
अब देखिए क्वेश्चन जो है उसमें अगेन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में यहाँ पी ए तो पता ही है, एन ए भी पता है 20 है, और एन बी में एक, तो यहाँ अननोन क्या हो गया। अब मुझे पी नॉट ए भी डायरेक्ट नहीं दिया है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी बताना है, तो एक ही इक्वेशन और दो अननोन कैसे सॉल्व होगा, तो ये दिक्कत हो गई। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो देखना है कि जो पी नॉट ए है ये क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना। और बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन जैसे नोट करके नीचे मैंने मेंशन किया है कि बॉइलिंग पॉइंट का वेप, बॉइलिंग होता क्या, व्हाट इज बॉइलिंग, थोड़ा इस बात को समझिएगा। बॉइलिंग क्या है कि व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर तभी होता है बॉइलिंग, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है, तो उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पॉइंट का टेम्परेचर इस पर एक्सटर्नल प्रेशर जब क्या हो 180 एम हो, तो उसी को बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो पी नॉट ऑफ वाटर, दैट इज वाटर वेपर प्रेशर ही क्या होगा, 180 के बराबर होगा। यानी कि इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं था, बट हमको पता है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस मेंशन है तो वो हमको पता है कि वो कब होता है, वाटर बॉयल कब होता है 8 एटीएम पे। और ये इन्फॉर्मेशन कि वेपर प्रेशर ऑफ ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू 180 एम एट इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा 180 एम। यानी कि अब वो चीज़ हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे, 180 एम मतलब कि 760 mm ऑफ एच जी, यानी कि पी नॉट 760, पी ए 570, पी ए 570, और एन बी आपका कितना है, एन बी इज 30, तो 30 और मोलर मास एम बी और मोल ऑफ वाटर इज 20, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लें, 0 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से 190/570 यानी 1/3 और 3/2 एम बी, यानी कि एम बी जो हो जाएगा है ना 1/30, 1/3 तो एम बी जो हो जाएगा वो 9/2, 4.5। ठीक है, तो बस यहाँ पे पी नॉट को हम इस तरीके से निकालेंगे, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। बाकी नोट में हम लोग का कि वेपर व्हाट इज बॉइलिंग व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ओके, थैंक यू।